अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी लच्छा पराठे की रेसिपी, जो आप बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और ये टेस्टी पराठा बनता है। तो कैसे बनता है आइए देख लेते हैं। तो इधर हमने 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है, 1.5 टेबल स्पून शुगर, टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट डालेंगे, 1 पीस अंडा, 1/2 कप मिल्क डालेंगे। ये हल्का गरम मिल्क है। और अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो इधर हम 3 कप मैदा डालेंगे। ये 3 कप, वज़न से ये 750 ग्राम मैदा है। अब ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट सा डो रेडी कर लेंगे। ये हल्का गर्म पानी है। तो मैंने बहुत अच्छे से मैदे को गून लिया है, एकदम सॉफ्ट। अब इसको कवर करके 15 से 20 मिनट सेट होने के लिए रख दें। तो हमारा 15 से 20 मिनट हो चुका है। तरह से एक दो बार कर लेंगे और इसका पेड़ा बना लेंगे। जितने साइज का आपको पराठा बनाना है उतना बड़ा आप पेड़ा इस तरह से रख लें। तो सारे बॉल्स को हमने बना लिया है। अब इसको हम बेल लेंगे और इस पे थोड़ा सा सूखा मैदा डालेंगे। अब इसको बेल लेंगे एकदम रोटी की जैसा। अब इसको हम बड़ी सी रोटी की तरह बेल लिया है। अब इसमें हम ऑयल लगाएंगे और ऑयल को अच्छी तरह से चारों तरफ लगा देंगे और इसके ऊपर मैदा छिड़क देंगे। अब छुरी या पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से इसको स्ट्रिप्स में कट करेंगे। मैंने थोड़ी चौड़ी वाली स्ट्रिप्स कट किया है। अब इसको इस तरह से रोल करते जाएंगे। इसको थोड़ा इस तरह से टान लेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। इस तरह से बनाएंगे। ये एक तरीका है। अब मैं दूसरी तरीका आपको बताऊंगी। इसको भी इसी तरह से बेल लेंगे। तो इसको भी बड़ी सी रोटी की तरह बेल लिया है। अब हम ऑयल लगाएंगे और ऑयल को चारों तरफ लगाएंगे। इसमें भी हम मैदा ऊपर से डस्ट कर देंगे। तो इसको और हम बारीक में स्ट्रिप्स करेंगे। जितना बारीक आपका स्ट्रिप्स कटा हुआ रहेगा उतना अच्छा लच्छा पराठा तैयार होगा। इसको भी इसी तरह से फोल्ड करते जाएंगे। इसको भी थोड़ा इस तरह से टांते जाएंगे।
और इसको ऊपर की तरफ इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और इसको इस तरह से अंदर दबा देंगे। तो इसी तरह से हम सारे रेडी कर लेंगे। अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दे दें ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो हमारा 10 मिनट हो चुका है रेस्ट देते हुए। अब इसको हम बेल लेंगे। अब थोड़ा सा सूखा मैदा डालेंगे। तो पहले तो इस तरह से फिंगर की हेल्प से इसको फैला लेंगे। और बेलन से एकदम हल्की हाथों से बेलें। तो एक पराठा हमने बेल लिया है। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं हो और ना बहुत ज़्यादा पतला। हम प्लेट पे रखते जाएंगे और जो बचा हुआ है उसको भी बेल लेंगे। तो ये लास्ट वाला भी बेला चुका है। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो मैंने तवे को चूल्हे पे रख दिया है गरम करने के लिए। तो तवा अच्छे से गरम हो चुका है। अब ये जो पराठा है हम इसको डालेंगे और एक तरफ से अच्छे से सिकने देंगे, फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। इसको हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर तक कुक हो जाए। तो अब इसकी साइड हम चेंज करेंगे और थोड़ा थोड़ा ऑयल डालकर इसको हम सेक लेंगे। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। फैमिली और फ्रेंड में शेयर ज़रूर करें। बहुत क्रिस्पी पराठा बनता है। तो ये दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसको हम निकाल लेंगे और जो बचा हुआ पराठा है इसको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो लास्ट वाला भी हमारा अच्छी तरह से सिक चुका है। अब इसको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे और सर्व करेंगे। तो ये देखिए, बहुत टेस्टी, बहुत क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट लच्छा पराठा बनके तैयार है। बहुत टेस्टी बनता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा।